पॉलीथीन न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। आबादी पर 40 माइक्रोन में कम मोटाई वाली पॉलीथीन को जलाने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती है। इसे संपर्क में आने से व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक का नारा दिया, साथ ही 2022 तक भारत को प्लास्टिक मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को प्लास्टिक मुक्त करने का सपना, लेकिन इस सपने पर डीडवाना नगरपालिका प्रशासन पानी फेर रहा है। पॉलीथीन के लगातार उपयोग से उपजाऊ जमीनें बंजर हो रही है, वहीं प्लास्टिक गाय और अन्य जानवरों की मौत का कारण भी बन रहा है। प्लास्टिक पर रोक की सरकार भले ही लाख दावे करे, मगर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। डीडवाना नगरपालिका अवैध डंपिंग यार्ड है, जहां डीडवाना शहर का कचरा लाकर डाला जाता है, लेकिन कचरे में अधिकांश मात्रा प्लास्टिक व थैलियों की होने के कारण इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है और पूरा डंपिंग यार्ड पॉलीथीन का जंगल बन गया है। पॉलीथीन की थैलियां खेतों की बाढ़ और झाड़ियों में फंसकर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई हैं। जिधर भी नजर घुमाई जाए वहां झाड़ियों में फंसी हजारों की संख्या में पॉलीथीन नजर आ रही है। डंपिंग यार्ड से उड़कर आने वाली प्लास्टिक थैलियों के कारण उपजाऊ खेत बंजर होने लगे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सब समस्या है प्लास्टिक की, हमारे को गैला रोक दिया है, प्लास्टिक लाला डीडवाना की पूरी गंदगी हमारे को वहाँ ला के घेर रहा है। इधर हमारी शमशान घाट है, शमशान भाव के अंदर ला के गंदगी फैल रहा है। जो हम गांव बस्ती अभी आन लाग रही है, अभी आवाज को आप संभालोगे, ये इतनी गंदगी है कोई सीमा नहीं है। प्लास्टिक खाकर गाय मरन लाग रही है, आदमी इस गैला से निकला है मुत्याज होने लाग रहा है, मरन लाग रहा है। जो भी आदमी निकले वो बदबू इतनी आती है, घायल हो जाता है उस गैला के अंदर, घायल हो जाता है आदमी। आपको बता दें कि कचरे के कारण आमजन के जीवन व स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, वहीं जानवर भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खेती व पशुधन की उनकी रोजी रोटी का प्रमुख जरिया है। खेती नहीं होने से पशुधन से होने वाली आय से उनका गुजारा चल जाता है, लेकिन प्लास्टिक खाने से उनकी गाय, भेड़ व बकरियां असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुँच रहा है। इस पर कोर्ट ने नगरपालिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, मगर एक साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद अब तक नगरपालिका ने कोई जवाब पेश नहीं किया है। डीडवाना में गोचर भूमि पर नगरपालिका द्वारा जो अवैध रूप से डंपिंग स्टेशन बना हुआ है, उसके कारण डीडवाना के आम जन को स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है और बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो गई है। और उस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे खाने का उत्पादन भी होता है, जिसके कारण भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का खतरा है। इसलिए पालिका प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्र वनपाल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नगर पालिका में कूड़ा कचरा के लिए अनुपयोगी जमीन दी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ डंपिंग यार्ड जहाँ बनाया गया है, उसके आसपास ग्रामीण आबादी क्षेत्र और रीको का औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। इसके बावजूद डीडवाना शहर की गंदगी यहाँ लाकर डाली जा रही है। नगर पालिका प्रशासन को कचरा निस्तारण के लिए अनुपयोगी जमीन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की गायें वगैरह ये प्लास्टिक वगैरह खाके मर रही है और इधर सारी जमीन बंजर हो गई। और हमारी आंगनबाड़ी यहाँ खोली हुई है 4 साल से, वो भी है ना, बच्चों को हम पोसार नहीं दे पा रहे हैं, मक्खियाँ वगैरह भनकती है, गंदगी बदबू आती है और पूरे डीडवाना का गंदगी, जितना भी गटर का वो सारा गंदगी यहीं लाके डालते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, कोई बैठ नहीं सकते आपस में। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी वे लोग इस स्थान पर कचरा डालने का विरोध जता चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द यहां कचरा डालना बंद नहीं किया गया तो ग्रामीण जन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। डीडवाना से गुलाम नमी आजाद की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।